डॉली जी मुंबई से महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हमें मालूम होता है कि जो कार्य हम करने जा रहे हैं वह गलत है, फिर भी वह हो जाता है और बार बार होता है, ऐसा क्यों हमें होता है? हमें अपराध नहीं करना तो भी हम उसको कर बैठते हैं। हाँ, भजन न होने के कारण, जैसे हमें पता है कि यहाँ नहीं जाना चाहिए और यहाँ जाना चाहिए, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ हम पहुँच जाते हैं, इसका मतलब हमारे अंदर बल नहीं है, हम बलहीन हो चुके, तभी हमको घसीट के ले जा रहा है मन, और जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जा पा रहे, इसका मतलब हम बलहीन हैं, तो हमारे अंदर भजन बल की कमी हो गई है, अध्यात्म बल की कमी हो गई, इसलिए ऐसा हो रहा है। यदि आप नाम जप करें, सत्संग सुने, तो आपके अंदर ऐसा बल आएगा कि आप इस पर शासन कर सकती हैं। मन बुद्धि पर शासन करने के लिए एक भागवतिक बल की आवश्यकता है, जिसका नाम है विवेक। विवेक ही इस पर शासन करता है, मन बुद्धि पर, और शासन करके उसे भगवदाकार बनाता है। विवेक सत्संग से मिलता है, विवेक पुष्ट होता है भजन से। जितना नाम जप करो, श्री हरिवंश विवेक परम, परम विवेक स्वरूप श्री आचार्य गुरु उसके हृदय में स्फुरित होने लगते हैं। हम चाहते हैं कि ये हमसे ना हो, लेकिन बलात् जैसे कोई हमसे करवा रहा है, वो हमारी कामना, वो हमारी वासना, वो हमारी मलिनता, अध्यात्म बल ना होने के कारण हमें बलात् वहां खड़ा कर देती है, हमारे ना चाहने पर भी। एक मन कह रहा अंदर से कि नहीं करना, पर वो बलात् हमसे करवा रहा है, वो हमारे अंदर कमी भजन की है। अब हमें उधर चिंता छोड़ देनी चाहिए, करने ना करने की, हमें भजन संभालना चाहिए, अपने आप वो बल आ जाएगा, वहां तुम्हें जाने ही नहीं देगा। नहीं तो ये जो भगवत प्राप्त महापुरुष हुए, ये कभी ना हो पाते, निश्चित समझो। भजन बल बहुत बड़ा भजन बल होता है। श्री हरिवंश नाम बल लो अपने मन भाई सबको, नाम बल कितना बड़ा बल है। माया के बस होने की तो बात जाने दो, मायापति अधीन हो गया। सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे रामो। इसलिए नाम जप करो, सत्संग सुनो और चेष्टा करो जलन सहने की। जहां मन ले जा रहा है, यदि गलत है, आप रुकोगी तो जलाएगा। हम जलन ना सहने के कारण भागने लगते हैं, लेकिन नहीं, हमें सहना है। बार बार जब मन पे नहीं, मुझे नहीं करना, नहीं जाना, नहीं खाना, नहीं सूंघना, नहीं छूना, वो जो धर्म विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, मैं सहूंगा, अगर ऐसा सहने लगे तो महात्मा हो गए, हृदय आपका विशाल हो गया। अध्यात्म नित्या तो विनिवृत्त कामा। यदि अध्यात्म का बल नहीं है तो आप कामनाओं से बच नहीं सकते, कामनाएं आपको परास्त कर देंगी, और अध्यात्म बल है तो आप कामनाओं को परास्त कर देंगे। इसलिए अध्यात्म बल भगवान नाम जप और शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग श्रवण, इससे विवेक प्रकट होता है। विवेक से अध्यात्म बल युक्त होकर उस समस्त निषेध जनित कामनाओं का त्याग करके भगवद आनंद की तरफ बढ़ता है।